सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को व्यावसायिक रूप देना शुरू कर दिया है। सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे ग्रामीणों तक पहुंच सके, इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक ने एक नई पहल की है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 17 जगह एटीएम व ग्राम सेवा सहकारी समिति पर माइक्रो एटीएम लगाने के लिए नाबार्ड से 99 लाख रुपए जारी होंगे, जिससे किसानों को अपने जमा धनराशि को निकालने में सुविधा मिलेगी। लाइव उत्तराखंड के लिए देहरादून से प्रभा जोशी की रिपोर्ट। इस बार 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में हमारे बैंक का प्रॉफिट उत्तराखंड के दस बैंकों में नंबर वन पर है और इसका प्रॉफिट है 15,09,03,000। मैं इस बैंक में कार्य करते करते और टीडी में भी पोस्टेड थी एज ए जीएम और इसके बाद मैं रुड़की में भी पोस्टेड थी एज ए जीएम। हमारे बैंक में कुछ चैलेंजेस तो ज़रूर हैं, जैसे हमारे बैंक को इस समय नेशनलाइज बैंक और न्यू जनरेशन बैंक से बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन रहता है और जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं तो उनको पूरा फुलफिल करने में वो हाथ पीछे खींच लेते हैं, लेकिन डिपॉजिट वगैरह लेने में सबसे आगे रहते हैं। और जबकि हमारा बैंक न्यू जनरेशन, हमारा बैंक जो है जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएँ होती हैं लोकहित की, उसको हमारा बैंक बहुत ही अच्छी तरीके से रिमोट एरिया में जाकर उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारा 3-2 ईयर स्ट्रक्चर है, पहले पैक्स है, फिर DCB है, उसके बाद एपेक्स बैंक है, और जो ये हमारा पैक्स है उस पर हमारे ग्रामीण बचत केंद्र होते हैं और सोसाइटीज़ होती हैं, जिसके द्वारा हम बिल्कुल रिमोट एरिया में जाकर उसमें हम अपने गरीब किसानों के लिए माइक्रो ATM के द्वारा पैसे निकालते हैं। और हमारे सरकार की के द्वारा एक हमको बहुत बड़ी मतलब गाड़ी भी मिली हुई है प्रचार प्रसार के लिए और नाबार्ड के सौजन्य से, तो उसके द्वारा भी हम जो है माइक्रो ATM उसमें रख के जहाँ तक वो पैसे निकालने और जो जैसे गरीब हैं, बूढ़े हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल पाती है, तो उसके द्वारा वो फुलफिल करते हैं। हमारी स्टाफ हमारे बैंक में IBPS के द्वारा नियुक्ति इसलिए करवाई गई है कि जो IBPS है ये हमारे भारत सरकार की बहुत बड़ी एजेंसी है और बड़ी पारदर्शिता और बड़ी निष्पक्षता से करती है। और हमारे जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं माननीय धन सिंह रावत जी, इन्होंने पहली बार सेलेक्ट किया है इस एजेंसी को कि जिसके द्वारा बड़े ही निष्पक्षता से और बड़े ही पारदर्शिता से इसकी नियुक्ति संपन्न हो और हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक बच्चे को इसका लाभ मिल सके। हाँ, इसकी जो IBPS की हमारी नियुक्ति हुई है बच्चों की, उसमें जो है सेंटर्स दूर दूर रखे इसलिए गए हैं कि हमारे उत्तराखंड में ऑनलाइन कंप्यूटर्स की व्यवस्था एक साथ व्यवस्था होनी मुश्किल थी, इसलिए हमारे उत्तराखंड के प्रदेश के लगे हुए प्रदेशों से में भी उसका जो है एग्ज़ाम कराया गया था एग्ज़ाम्स के लिए। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।